3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई। सोशल मीडिया पर खूब बधाई भी दी गई, लेकिन समाज में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, जाति प्रथा जैसी घटिया व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए और समाज में विधवाओं को उनका अधिकार दिलाने वाली सावित्रीबाई फुले को आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सोचिए, एक ऐसा समय जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार करना भी मुश्किल था, दलितों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले ने इन सामाजिक बंधनों में जकड़ी भारतीय महिलाओं को न केवल शिक्षित करने का काम किया, बल्कि विधवा विवाह, छुआछूत, नारी मुक्ति और सामाजिक बराबरी के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग दिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ था। सिर्फ 9 साल की थी जब उनका विवाह 5 साल बड़े ज्योतिबा फुले से कर दिया गया। ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र और देश भर में सामाजिक सुधार आंदोलनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से गिना जाता था, जो एक लेखक, विचारक और चिंतक थे। जिस समाज में महिलाओं के लिए बचपन में पिता के, शादी के बाद पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन होने का विवाद चलता था, उस समय ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया था। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति होने के साथ साथ उनके संरक्षक, समर्थक और गुरु बने। ज्योतिबा फुले ने पत्नी को पढ़ाया तो उनके पिता उनसे नाराज हो गए, उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा फुले बिना रुके चलते रहे और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को उन्होंने शिक्षा देना जारी रखा। यह दोनों की मेहनत का ही फल था कि साल 1808 में दोनों ने मिलकर महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। इसके बाद साल 1852 में एक साथ 3 महिला स्कूलों की स्थापना की गई, जिसके लिए तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया। हजारों सालों से सामाजिक बंधनों में जकड़ी भारतीय महिलाओं के लिए यह गौरव का क्षण था, तो दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले का अपमान करना शुरू कर दिया। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो उन पर पत्थर और गोबर बरसाए जाते। अपमान की इस पराकाष्ठा के बावजूद भी सावित्रीबाई सबसे आहत नहीं हुई, लगातार महिला शिक्षा व नारी मुक्ति के लिए काम करती रही। वंचित तबके के प्रति उनके समर्पण का आलम यह था कि ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने अपनी स्वयं की कोई औलाद नहीं होने दी। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलितों, पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए त्याग दिया। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए केंद्र की स्थापना की और उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। 1897 में जब पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल रही थी, तब उन्होंने एक अस्पताल बनवाया जहां वह अछूत लोगों की सेवा करती थी। प्लेग पीड़ितों की सेवा करने से उन्हें भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ और इसी के साथ एक क्रांति ज्योति बुझ गई। आज महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक सब बन रही है, अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और नारी मुक्ति की प्रणेता सावित्रीबाई फुले को इस देश की सरकारों व इस देश ने नजरअंदाज कर दिया है। आज सावित्रीबाई फुले का नाम गुमनामी के अंधेरे में सिमट कर रह गया है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो महिला नारी शिक्षा की आधार स्तंभ है, उस महिला को देश की 99% महिलाएं जानती ही नहीं। क्या सावित्रीबाई फुले सम्मान की हकदार नहीं, जिनकी बदौलत आज करोड़ों महिलाएं मान सम्मान का जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिल्ली टाइम्स। जय हिंद।